कहो अरे नहीं नूर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको पक्का करो, पहले काले से आओ, देखो हाँ देखा, कहो कर सकती हो तुम। वाह सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या छुपा रहे हो तुम? वो जी, मैं नूर जी का कमरा साफ कर रहा था ना जी, और नूर जी का दुपट्टे को तह लगा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, कमरा तो वैसे का वैसे पड़ा है, जल्दी काम खत्म करो ना जी। और ये बताओ नूर कहाँ है? वो जी, ये वो जी क्या, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, नूर कहाँ है? वो जी वो छत पर है जी। छत पर? ये छत पर क्या कर रही है वो? ये उसी की आवाज आ रही है ना? नहीं जी। नहीं जी क्या? मुझे पता है, ये जरूर बबन मियां के पास गाना सीखने के लिए गई होगी। मैंने कितनी बार मना किया इस लड़की को कि मुझे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये समझती नहीं है। आने दो उसे, इसकी तो ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। सलमा जी, अल्लाह बख्शे, इसमें आपकी अम्मा गुलबहार बेगम का क्या कसूर? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सलमा जी, नूर जी का तो बहुत दिल चाह रहा था जी। आपको पता है नूर जी कितना अच्छा गाती है, इसमें हर्जी क्या है जी? तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम ही हर बात में ना उसका साथ देते हो। जाओ जाकर नूर को बुला के लाओ जी। जल्दी आना जी। मैं गया अभी। वली खान, ये औरत इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये तवायफ है, और तवायफ हमारे घर में नहीं रह सकती। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना? निकालो इसे यहाँ से, निकालो। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी वली खान। वली, क्या हुआ, आप बैठे बैठे सो गए? चले छोड़, चाय पिए। बाबा जान कहाँ है? कहाँ होंगे, शिकार पर गए हैं, आने वाले होंगे। उनके साथ ही पीऊंगा। वली, कभी मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करें। हर वक्त या बाबा जान और ये आपका काम। वक्त तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तुम्हारे साथ, ये क्या कम है? तो आपको अफसोस है इस बात का? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने। नूर, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, मुझे ये गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा दिन इस घर में कैद रहती हूँ, दम घुटता है मेरा, मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करके माँ का दम निकालती हो? इधर, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। हाँ, इधर बैठो मेरे पास। बताओ बताओ क्या बात है, मुझसे करो बातें। आप सुनेंगी मेरी बात? हाँ सुनूंगी, बताओ क्या बात है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे अम्मी। तुमने सुना मली, आज तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? वो सोचती है कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज वो उसे आला तालीम दिलवाता।
उसके नन्हे नन्हे ख्वाबों को ताबीर देता, लेकिन वो तो ये जानते ही नहीं कि उसका बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम तो तब हमें छोड़कर चले गए थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या कसूर था मेरा या मेरी बच्ची का? सिर्फ ये कि मुझे मेरी मजबूरियों ने इस कोठे पर लाकर बिठा दिया था। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, ना तहजीब है ना बड़ों का अदब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम दादा जी। खुशहाल है सब। अल्लाह, आज बड़ी देर लगी बाबा जान। ये इस मौसम में इन बेमौसम और बेइल्म शिकारियों को चेक न किया जाए ना, तो ये तो हमारे परिंदों की नस्लें ही खत्म कर दे। वैसे भी हमारे जो दोस्त हजारों मील की उड़ान भर के उधर साइबेरिया से हमारे मुल्क में उतरते थे, वो भी हम लोगों से नाराज हो गए। तो आपने खुद कुछ शिकार नहीं किया आज? किया है ना, इन शिकारियों को शिकार किया और उनके शिकार को शिकार किया। इसको पका लेना वो रात में। जी बाबा जान। हाँ जी, रिजल्ट का सुनाओ क्या। बाबा जान, इतने कम मार्क्स लिए इसने, मुझे नहीं लगता इसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होगा। फलीप, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता तो है कि बुशरा बीमार थी। आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें ना, तो जिस कॉलेज में जावियार है उसमें इसका भी एडमिशन करवा दें। हो जाएगा ना जी बेटे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जिधर हमारी बेटी बोलेगी उधर ही होगा। आई लव यू दादाजान। देखा, दादाजान ही सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, आप सब लोग बहुत बुरे हैं। बाबा जान, मैं चलता हूँ, जमीनों के चक्कर भी लगाना है। हाँ, मुराद को ले जाना है। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। ये तुम दोनों माँ बेटियाँ बिना बताए चली गईं, हर तरफ ढूंढ चुकी हूँ। किस खुशी में? अरे आप सब बातें छोड़िए, मिठाई खाइए मिठाई। हाँ मगर खुशखबरी तो बताओ मुझे। मेरा एडमिशन हो गया है खाला। और वो भी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। नूर, तुम अंदर जाओ बेटा। सच कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझे इस बात का यकीन दिला रही है कि उसने जो कुछ कहा है वो सच है। तो इसमें हर्च ही क्या है? बस बहुत हो चुका, यानी अब सितारा जहां के कोठे पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बातें हुआ करेंगी। अरे वाह, तो बस फिर तो हो चुका धंधा। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की और ना ही करूंगी। मैं तो बस अपनी बच्ची को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। पैरों पे तो वो तवाइफ बन के भी खड़ी हो सकती है। खबरदार, खबरदार जो मेरी बच्ची के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून है। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। शरीफ खानदान, शरीफ खानदान। ये वही शरीफ खानदान है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि तुम एक तवाइफ थी। और अब तुम ये सारे तमाशे कर रही हो कि चलो तुम नहीं तो वली खान तुम्हारी बेटी को ही कबूल कर ले। ये तुम्हारी भूल है। नहीं ना, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊं। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाता हूँ। सावल, 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 तुम ठीक तो हो ना? सावल, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? I'm sorry. कैसे नहीं लगी?
बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ना। आप गलत समझ रही हैं मुझे, I'm sorry। तो सॉरी कह के आपको एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, और वैसे भी बड़ी सी गलती करके उसके बाद सॉरी कह देना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। देखें आप गलत समझ रही हैं मुझे, I'm sorry, गलती मेरी है, लेकिन ये भी तो सड़क के दरमियान में खड़े हुए थे तो मुझे पता नहीं चला। जी हाँ बिल्कुल, गलती हमारी ही है, हम सड़क के बीच में बात कर रहे थे ना। हद है वैसे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान हो? तो कैसे ठीक हो सावल, तुम्हें लगी है? अगर आप बुरा ना मनाए तो जहाँ जाना चाह रही है मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हमें माफी रखिएगा आप, हम खुद चले जाएंगे। सावल चलो घर चलते हैं। जी आप जाइए ना, आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन आज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यकीन जानिए, आप जाइए। तुम ठीक हो ना? खुदा कहाँ हो तुम, चले आओ। ये लीजिए बाबा जान। अरे किसी मुलाजिम को कह दिया हो तुम? बाबा जान आप तो जानते हैं ना कि आपका काम करके मुझे कितना सुकून मिलता है। जी तरह खुश रहो, अली खान बहुत खुशकिस्मत है उसको तुम जैसी। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वली को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। क्या कह रही हो? पता नहीं हर वक्त कहाँ खोए रहते हैं। ना 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 तुम गलतफहमी हुई है जी। नहीं बाबा जान, इस गलतफहमी में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा जान आप तो जानते होंगे ना वली को ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं जानती। बेटा जी मैंने बोला ना गलत सहमी हुई है, वली खान शुरू से ऐसा है, खामोश तबीयत। वैसे भी अब माशाल्लाह तुम्हारा बेटी जवान हो रही है, उसकी फिक्र क्या करो, वली तुम्हारा तुम्हारा रहे। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, मालिक हो, है क्या फिक्र का बात है। ठीक कह रहे हैं बाबा जान। क्या निदा का शक सही है? वली अभी तक तो माजी को भूल नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, आप अपना ये रजिस्टर्ड क्लास में बोल रहे हैं? आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आपको ड्रॉप कर सकता हूं। नूर, इंटरेस्टिंग।
पीछे हटे, क्या कर रहे हैं आप? इतना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रही मुझसे? मैंने कहा ना आपको हाथ नहीं लगाए मुझे। अब तो ये वो है या नहीं है, जो भी है ये मेरी है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? आइंदा इसके इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो हेलो, हाँ पहुंचे नहीं अभी तक? हाँ हाँ भाई, बस स्टॉप है यार, पक्की खबर है मेरे पास, वहीं पे वो उठा के ले आओ उसको। हाँ वो पुरानी फैक्ट्री वाला गोदाम है ना, उधर ले आओ उसको। पता नहीं कमबख्त बस वाला कहाँ रह गया। सावल मेरा ख्याल है तुम रिक्शा ही कर लो, कोई बस नहीं आ रही। क्या क्या कर रहे हो? क्या हो गया? कुछ लेकिन तुम क्या ठीक हो ना? क्या लेकिन तुम्हें तो गोली लगी है। अब देखना सलमा जान, तुम्हारे इस सफर का बदला तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। ये वादा है मुराद अली खान का। अब बस भी कर दीजिए ये सोग मनाना, वो चला गया है आपको हमारे रहमो करम पे छोड़ के। ऐसे क्या देख रही है? कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? एक तो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही है और हमारी ही रोजी पे लात भी मार रही है। बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारी बकवास, बस करो अब। क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? अगर इतनी ही खुददार हैं तो चली क्यों नहीं जाती आप यहां से अपनी उस बेटी को लेके? ये कोठा हमारी वजह से चलता है और हम चाहें तो आपको यहां से खड़े खड़े बाहर निकलवा सकते हैं। चंदा ये क्या कह रही हो? क्यों, क्या गलत कहा हमने? आप समझा लीजिए अपनी बहन को और इनकी उस बेटी को कि हमारे रास्ते में मत आए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। वो जावियार। जावियार? क्या हुआ जावियार को? जावियार हॉस्पिटल में है चाचू, उसे गोली लगी है। क्या? अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्यों बिला वजह परेशान हो? तुम इधर ही ठहरो, मैं आ रही हूं। अम्मी